1962 में चाइना वार हुआ, उसमें 114 वीर हीरो ने शहादत दी थी। और यही नहीं रुकता, हमारा इतिहास तो बहुत पुराना है। सन 1857 की क्रांति, आजादी की लड़ाई, कारगिल युद्ध, ऐसे बहुत सारे हमारे, हमें वीर अहीर कहा जाता है। ये इसलिए नहीं कहा जाता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। और दोस्तों, मैं आपसे यही अपील करूंगा कि ऐसे ही एकजुट होकर रहे, ताकि हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन हर जगह दिखा सके। और चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, उसको हम झुकाने का काम करें। ये अहीर रेजिमेंट की लड़ाई किसी जातिगत, इसको किसी जातिगत आधार पर ना ले। इसमें हमारा हाथ जोड़ के सभी से विनम्र निवेदन है, यहाँ मेरे पंडित भाई भी आए, मतलब जाट भाई भी आए, यहाँ सभी लोग, सभी समाज हमारा समर्थन कर रहे हैं। ये कोई जातिगत लड़ाई नहीं है। और मैं इस मंच के माध्यम से एक बात और बता देता हूं कि जिस तरीके से ये गुटबाजी और पोस्टर वार हो रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। क्योंकि यहाँ सब यादव है, यहाँ सब और भी बिरादरी के भाई आए हैं, और सबको यहाँ बोलने का भी अधिकार है और लड़ने का भी अधिकार है। तो ऐसा आगे से, क्योंकि अहीर रेजिमेंट तो इससे बहुत पहले बन जाती, बहुत पहले बन जाती। किसकी भेंट चढ़ी अहीर रेजिमेंट? ये गुटबाजी की, नेतागिरी की। यहाँ अपने आप में सब नेता है, सब अपनी राजनीति चमका सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ हम एक मंच पे एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं राजनीति करने के लिए, बिल्कुल नहीं हुए। मैं ऐसे लोगों का यहाँ विरोध करता हूँ, ऐसे लोगों का बहिष्कार करता हूँ जो इतने पवित्र जो यज्ञ चला है, इसकी ज्वाला, इसकी आग देश के हर कोने में फैली है, यहाँ आके राजनीति ना करे बिल्कुल भी। ये एक बहुत पवित्र यज्ञ है, यहाँ पे राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी। और ऐसे लोगों का मैं तो कहता हूँ कि उनका समाज से भी बहिष्कार करो, जो समाज के नाम पे राजनीति करते हैं। जय यादव, जय माधव, अभी तो नहीं है, लड़ाई है।